हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्वीट कॉर्न खेती के बारे में, यानी मीठे भुट्टे की खेती। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में कितने लोग मीठे भुट्टे को खाना पसंद करते हैं, तो इसी के बारे में मैं बात करूँगा कि आप किस प्रकार से मीठे भुट्टे की खेती करके अच्छे खासे लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि स्वीट कॉर्न की खेती किस समय करना चाहिए कि हमें अच्छे लाभ मिले, और बुआई करते समय हमें अपने खेतों में कौन कौन से उर्वरक डालना चाहिए, और इनकी सिंचाई कब कब करनी चाहिए कि हमें अच्छे खासे लाभ मिल सके। दोस्तों वैसे देखा जाए तो इनकी जो है बुआई खरीफ या रबी के सीजन में भी इनकी बुआई कर सकते हैं, यानी गर्मी हो या सर्दी इनकी बुआई आप कोई भी समय में कर सकते हैं और इनकी पैदावार उठा सकते हैं। अगर आप गर्मी में इनकी बुआई करना चाहते हैं तो आप जो है अप्रैल से मई मार्च में इनकी बुआई कर दीजिए, ताकि वह जून जुलाई के माह में वह आपकी फसल तैयार हो सके, क्योंकि स्वीट कॉर्न मक्का की जून जुलाई में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है और उस समय आपको अच्छे खासे इनके इनकम हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 80 से 85 दिन में ही आपका स्वीट कॉर्न तैयार हो जाएगा। दोस्तों बात करें कि हमें कौन से कंपनी के बीज लेना चाहिए और कौन कौन से उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं मार्केट में बहुत से कंपनियां हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप कोई सा भी कंपनी का लेकर आप अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं। जैसे एक दो कंपनी के मैं बात करूँ तो जैसे वायर का हो गया, सिजेंटा का हो गया, या फिर पायोनियर कंपनी का लेकर आप अपने खेतों में इनकी बुआई कर सकते हैं। दोस्तों बुआई करने के सबसे पहले आपको अपने खेतों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, जिसमें कि आप अपने खेतों को 3 से 4 बार ट्रैक्टर की सहायता से गहरी जुताई करवाएं, उसके बाद ही आप अपने खेतों में उर्वरक को डालें। और बात करें कि हमें कौन कौन से उर्वरक डालना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप उसे ज़रूर डालिए। और रासायनिक खाद के बारे में मैं बात करूं तो आप रासायनिक खाद में ले सकते हैं 30 से 35 केजी यूरिया, 50 केजी डीएपी और 30 केजी पोटाश लेकर इन तीनों खाद को एक साथ मिला दें और बुआई करने के पहले अपने खेतों में इसे अच्छी तरीके से बिखर दें, और उसके बाद आप अपने खेतों में इसे रोटावेटर से जो है पूरी तरीके से आप अपने खेतों में मिला दें। उसके बाद जो है आप अपने खेतों में क्यारी बनवा दें, क्यारी बनवाने के बाद ही आपको अपने खेतों में मक्का की बुआई करना है। दोस्तों बात करें कि किस प्रकार की मिट्टी में स्वीट कॉर्न की खेती अच्छी होती है, तो वैसे तो हर प्रकार की मिट्टी में इनकी खेती किया जा सकता है, लेकिन वैसे देखा जाए आमतौर पर तो दोमट मिट्टी या फिर बलुआही दोमट मिट्टी स्वीट कॉर्न की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। दोस्तों बात करें कि 1 एकड़ में कितना स्वीट कॉर्न के बीज की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको 1 एकड़ के लिए कम से कम 4 से 4.5 केजी बीज लेना है, जिसको आपको अपने खेतों में बुआई करना है। दोस्तों आप कोई सा भी बीज लें, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि आप बीज को लगाने से पहले जर्मिनेशन करके जरूर चेक कर लें कि क्या वह बीज ठीक है या नहीं है। दोस्तों स्वीट कॉर्न की सिंचाई के बारे में मैं बात करूं तो अगर आप गर्मियों के समय में इनकी बुआई कर रहे हैं तो आपको सिंचाई के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो इनकी सिंचाई 3 से 4 बार करनी होती है, जिसमें से पहली सिंचाई जो है आप बुआई करने के 25 से 30 दिनों के बाद जरूर कीजिए, और दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिनों के बाद जरूर से जरूर करनी चाहिए। और सिंचाई के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप इस वीडियो पे कमेंट करते हैं तो। दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूं कि स्वीट कॉर्न की खेती में इल्ली का प्रकोप का खतरा बना रहता है, सो इसलिए इनको नियंत्रण करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इमामेक्टिन बेंजोइट। दोस्तों स्वीट कॉर्न की खेती में इल्ली नियंत्रण के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके।